गुड इवनिंग गाइस, अभी रात के बज रहे हैं 9 और मैं जा रहा हूँ मयूर विहार मार्केट थोड़ा सा शॉपिंग करने। थोड़ा फल फ्रूट लाना है, वाइफ ने तो एक लिस्ट दिया है, मम्मी ने भी एक लिस्ट दिया है, उसको लाना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा बेटा मुझे जाने नहीं दे रहा है, इसको भी मेरे साथ चलना है, बट अभी ये बहुत छोटा है और बहुत ज़्यादा मयूर विहार मार्केट में रश होता है। चलिए, आज है मंडे का दिन और बहुत ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है। मैं आपको आगे की वीडियो और शेयर करता हूँ, आप देखते रहो। कहीं कहीं लाइट है, कहीं कहीं स्लीप अंधेरा है। ये देखिए, अभी तो मेन मार्केट आने वाला है, अभी बहुत आगे है, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए, यहाँ पे रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कि मेरे फादर को ये जगह बहुत पसंद है, भीड़ भाड़ उनको बहुत पसंद आती है। नॉर्मली लोग बुढ़ापे में भीड़ भाड़ को अवॉइड करते हैं, बट मेरे फादर को अभी ओल्ड एज में भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसके फ्रूट्स कितने अच्छे हैं, ये देखिए कितने अच्छे हैं। मैंगो कितने के भैया, कितने के? 120। आता हूँ उधर से आता हूँ तो फिर देता हूँ आपसे। ये सोसाइटी के बाहर भी लगाते रहते हैं, जो भी लेना है आप ले सकते हो यहाँ पे से। बहुत चीप एंड वेस्ट सामान मिलता है यहाँ पे। देखिए, गार्ड वाले भैया को प्रॉब्लम होने लगा। इसके आगे जाने का मेरा हिम्मत नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ यहीं से वापस हो जाऊँ, क्योंकि इसके आगे जाने का मेरा अब हिम्मत हो ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। देख रहे हो अभी आगे कितने दूर तक का भीड़ है। ये देखो, यहाँ से ये रिक्शे का जाम, ये पूरा मार्केट, ये मैं मिडिल ऑफ द मार्केट में आ गया हूँ। ये देखो कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, लोग बस सामान खरीदने और लूटने में लगे हैं बस। देखो मिडिल क्लास वालों के लिए तो ये स्वर्ग जैसा है, सस्ता सामान और इतने थोक में मिल जाता है उनको, और क्या चाहिए जिंदगी में। ये बेचारे भैया परेशान होते हुए इतना मोल भाव देख करके, कितने में दूँ कितने में ना दूँ, बहुत टेंशन में बेचारे। क्या भैया बहुत टेंशन में आ गए, मोल भाव के बाद फाइनली सामान खरीद लिया गया है और भैया के चेहरे पे खुशी देखी जा सकती है। ये है इनक्रेडिबल इंडिया, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग टाइप से यहाँ पे एक साथ मार्केट में मिलते हैं। आपको ऐसा नज़ारा सारी जगह पे देखने को नहीं मिलता। तो मैं मार्केट से बाहर निकलता हुआ, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाने का भाई, मैं तो बाहर निकल गया, अभी निकलता जा रहा हूँ, अभी मिडिल में ही हूँ, तो हमारे साथ बने रहिए। भैया बच्चों के शूज नहीं है क्या, छोटे बच्चों के? 2 साल 1 साल शूज, जूता। ये छोटे वाले कितने के हैं? 200 का। व्हाइट में नहीं होगा, कहाँ मिलेगा? अच्छा, अपने बेटे के लिए सोचा था शूज देखूंगा, बट मिला नहीं। That's fine, कोई नहीं, हम लोग किसी शॉप से जाके ले लेंगे। इस गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, और गर्मी में थोड़ा ठंडा होना ज़रूरी होता है, कुछ भी ठंडा पी लो।
मैं भी ऐसे ही तलाश में हूँ, कुछ ठंडा मिल जाए मुझे, देखता हूँ। तो ये देखिए, ये अपने गर्लफ्रेंड को ठंडा पिलाते हुए, अच्छी बात है, खुद भी ठंडा रहो, गर्लफ्रेंड को भी ठंडा पिलाते रहो, अच्छी बात है। ये सिकंजरी शॉप, इसमें से ठंडा पिला रहे थे भाई साहब। तो भैया सवारी नहीं मिल रही आपको, बैठे हुए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही होगी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, देख रहे हो गर्मी एक्सट्रीम पे अपने, और भैया रिक्शे में अपना वेट करते हुए कि कोई सवारी मिल जाए इनको, मिल जाएगा भैया, वेट करिए। तो फ्रेंड्स, शॉपिंग करने के बाद बहुत थक गया मैं, फाइनली मैं घर पहुंच गया हूं, और आज का ये व्लॉग मैं अभी यहीं पे ख़त्म करता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमें।